सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। डोकलाम को लेकर भारत के साथ जारी तनातनी के बीच चीन ने तिब्बत में दो सैन्य अभ्यासों के बहाने अपने हजारों टन सैन्य साजो सामान पठारों की तरफ भेजे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि सैन्य तैनाती में यह इजाफा सिक्किम सीमा के पास नहीं बल्कि पश्चिम में शिनजियांग प्रांत के निकट उत्तरी तिब्बत में किया गया है। चीनी सेना को अपने एक्सप्रेसवे नेटवर्क के जरिए करीब 700 किलोमीटर की यह दूरी तय करने में महज 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चीनी सेना के मुखपत्र पेरे डेली के हवाले से लिखा है, अशांत तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में पश्चिमी थिएटर कमांड ने उत्तरी तिब्बत में कुनलुन पर्वतों के दक्षिण में सैन्य साजो सामान भेजे हैं। हालांकि पेरे डेली ने यह कहीं नहीं बताया है कि साजो सामान की यह तैनाती उसके दो सैन्य अभ्यासों के लिए है। वहीं संघाई स्थित सैन्य टिप्पणीकार लेशियोन ने इस बाबत बातचीत में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से कहा कि यह सैन्य मूवमेंट सीमा तनाव से जुड़ा हुआ और भारत को बातचीत की मेज पर लाने के लिए डिजाइन किया गया प्रतीत होता है। अखबार ने उनके हवाले से लिखा है, कूटनीतिक वार्ताओं को पीछे से सैन्य तैयारियों का साथ दिया जाना चाहिए। वहीं एक अन्य सैन्य टिप्पणीकार झू चेनमिंग अखबार ने कहा, पहले चीनी सेना यह दिखाना चाहती है कि वह अपने पड़ोसी भारत को आसानी से हरा सकता है। हालांकि दक्षिण एशिया के रणनीतिक विशेषज्ञ वांग देवा ने इसी अखबार से बातचीत में कहा कि यह सैन्य ऑपरेशन पूरी तरह से साजो सामान को लेकर है और अभी तिब्बती इलाके में काफी बेहतर लॉजिस्टिक सपोर्ट मौजूद है। देहुआ साथ ही कहते हैं कि इस पठार को बाकी के चीन से जोड़ने वाले तिब्बत किंघाई रेलवे और नई सड़क नेटवर्क सहित इलाके के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत पेले बेहद जल्दी और आसानी से इस सीमावर्ती इलाके में अपने सैनिक और साजो सामान भेज सकता है। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।